महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर के ऊपर यूपी बिहार के लोगों को भगाने का आरोप लगा था और मामले को तूल पकड़ते देख कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा कह दिया है कि उन पर चौतरफा हमला होने लगा है। बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कमान संभालने के पहले दिन ही सीएम कमलनाथ की ओर से किसानों के कर्ज की माफी का आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा कमलनाथ सरकार ने किसानों के अलावा युवाओं को लुभाने का बड़ा दाव चल दिया है। सोमवार को शपथ लेने के कुछ घंटों के बाद ही कमलनाथ ने सूबे के उद्योगों में 70% रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के नियम पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके मुताबिक राज्य के उन उद्योगों को ही इंसेंटिव यानी छूट दी जाएगी जिनमें 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। कमलनाथ के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में खासी नाराजगी है। यूपी बिहार के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जगह जगह जमकर प्रदर्शन किया और कमलनाथ के खिलाफ नारे लगाए। कमलनाथ सिख के हत्यारों में से उनकी सूची है, नाम है, अभी भी केस में उनका नाम दर्ज है, और कमलनाथ की भाषा राज ठाकरे की भाषा एक है। राज ठाकरे ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देने का काम किया था। बिहार यूपी के लोग जहां भी जाते हैं मान सम्मान से उस राज्य के प्रगति में योगदान देते हैं अपने परिश्रम के बल पर। राज ठाकरे और कमलनाथ की भाषा एक है। मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि भारत एक संघीय ढांचे में है कि नहीं है, कमलनाथ को इसका जवाब देना पड़ेगा, और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को बिहार यूपी के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसका जवाब लोग देंगे।